तो उन्होंने भी एक नई एंटरप्राइज प्रदेश में शुरू करी। उन्होंने एक नारा दिया था जैसे आज बीजेपी ने दे रखा है, सबका सम्मान और सबका विकास। लेकिन सम्मान और विकास पे जब निगाह लगा कर देखते हैं तब अंदाजा लगता है कि किस तरह से भेदभाव करते हैं। लेकिन चौटाला साहब ने नारा दिया था सरकार आपके द्वार, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोई हरियाणा प्रदेश का एक गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से खर्च ना हो। हर गांव में खर्च हुए होंगे, पैसा आया था कि नहीं आया? खूब पैसा आया। बहुत सारे ऐसे गांव है जहां लोगों ने इतने ज्यादा पैसे उनको मिल गए थे कि उनके पास खर्च करने की जगह नहीं थी, सरकार को वापिस दिए। जहां गांव का विकास किया, जहां पीने के पानी का प्रबंध किया, जहां स्कूल बना करके दिए, जहां और दूसरी फैसिलिटी गांव में दी, वहीं उन्होंने लोगों की जो मूलभूत जरूरत थी उनको भी पूरा किया। आप अपने हथे पे ले जाते 2000 से 2005 के बीच में जितने भी कोई विकास के बड़े काम आपके बड़ोदा ने, वो आम आदमी के लिए सुविधा थी। जब ओम प्रकाश मुख्यमंत्री थे तो यहाँ के इलाके के लोगों ने मांग रखी थी कि हमें टिकट दीजिए। मांग इसलिए रखी थी कि जो इलाका था सारा का सारा बढ़ा के आसपास था या गन्ने की खेती ज्यादा थी, और मिल में गन्ना बेचने के लिए आप लोगों को पानी पर जाना पड़ता था, कभी सोनी पर कभी रोजगार कर लीजिए। तीन तीन चार चार दिन ट्रालियां जो है मिल में खड़ी रहती थी, किसान परेशान होता था। आपने मांग रखी उनके आगे और चौटाला साहब ने आपकी मांग को स्वीकार करके एक साल के अंदर मिल बना करके इस इलाके के किसान को सुपुर्द कर दी। किस मिल तो सबसे बड़ी सुविधा थी इस इलाके। उसके बाद यहाँ की जो लड़कियां, बच्चियां जो बारहवीं क्लास तक यहाँ स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज की पढ़ाई यहाँ जाकर की थी, उसके लिए भी दूर जाना पड़ता। लड़कियों को दूर दराज ना जाना पड़े, लोगों ने जब कहा उनसे कि हमें लड़कियों का कॉलेज बना के दो, तो फिर भाड़ा में लड़कियों का कॉलेज बनाया। उसके लिए जो फसल निकालते थे धान का बाजरे थी गेहूँ थी आपकी मंडिया में नहीं थी, सबसे प्रिय एशिया की मंडी घोड़ा में बनाई। उसके साथ साथ ब्राह्मणों के गांव के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक गांव के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया। उन्होंने इसलिए बनाया था कि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे जो दूर दराज जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, जो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्यों नहीं उनको उन्हीं के गांव में इस तरह की सुविधा दे दी जाए जिससे उस गांव के बच्चे जो है हर साल 6-7-8 बच्चे इंजीनियर बन कर मिले। 6 सीटें रिजर्व होती है। हमने जो कॉलेज बनाया इंजीनियरिंग, जिसमें 6 बच्चे हर साल इंजीनियर बनकर के कोई एसडीओ बना, कोई एक्सएल बना, कोई आरचीफ इंजीनियर है, कोई प्राइवेट नौकरी में अच्छी पोस्ट के ऊपर, इस हुडा की सरकार ने उसको बंद कर दिया। और इस बीजेपी की सरकार ने जिसमें करोड़ों रुपए सरकार के खर्च में जिस इंस्टीट्यूट को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है उसको योगेश्वर दत्त को दे दिया कि तू इसके अंदर तेरी अकेडमी चला। अगर योगेश्वर दत्त को अकेडमी के लिए कोई जगह देनी थी तो सरकार दूसरी जगह इंक्वायर करती देती। उस इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर सरकार चलाती तो उससे हर साल हमारे इलाके के 15-20-30 बच्चे जो है इंजीनियर बनते ही बनते। वही जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया सब्जी मंडी बढ़ा देती। अनेक रजवाई जो है जहाँ पानी की कमी थी गाँव में खेती के लिए बढ़ा करके दिए, स्कूलों को अपग्रेड किया गांव से, और जो एक गांव से दूसरे गांव को खेतों के रस्ते थे जिन रस्तों से गांव की दुनिया कम होती थी उन खेतों के रस्तों को भी पक्की सड़कें तब्दील किया।
कांग्रेस ने बीजेपी ने तो सड़कें टूटी, उनके ऊपर दोबारा कोई जी कार कटी हुई निकली, दोबारा कोई फिगर डेव नहीं करी। आने वाले समय में 3 तारीख आप जानते हो कि किसान के खिलाफ जो काले कानून बनाए सरकार ने वो वापिस हो, तो मौका है तुम्हारे पास कि किसान को कैसे बचाया जाए, इसके लिए भी बीजेपी कांग्रेस दोनों को अपने वोट की चोट से मारो। अगर कहीं गलती से इनमें से कोई जीत गया तो फिर बात के चलो आने वाला समय आपके लिए मुश्किल कराओ और दिक्कत आएगी। इसलिए सारे देश की निगाहें आपके ऊपर है, खास करके खेती करने वाला व्यक्ति आज आपसे उम्मीद करे बैठे इस देश का कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सबक बड़ौदा के लोग सिखाएंगे। अरे ये इलाका तो सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला है, आपने तो सदा ताकत दी है और हमने तो आपसे बिना मांगे जोगिंदर मलिक को टिकट देकर के भेजे हैं, भेजे भेजे लोग तो टिकट मांगते हैं तो अपनी खाप का डर दिखाते हैं, लोग अपने गांव का डर दिखाते हैं, दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। हमने तो बिना मांगे आपको टिकट दिए, बिना मांगे आपके बीच में आपके भाई को खड़ा किया। आज तो मंडी में धान नहीं बाजरा की पिट नहीं रहा, धान पिट रहा है, बाजरा पिट रहा है, मक्की पिट रही है। ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना है वो कहीं कट्ठे होने की बात करते हैं तो तुम नहीं हो सकते, तुम्हें भी होना चाहिए। अभी ठहर जा, एक साल और रुक जा, फिर देखी के वही था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके